और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते नई सी ट्रिक। मटर की सीजन आ गई है, अभी तो मटर शुरू ही हुए हैं, लेकिन रुकिए, बहुत सारे मटर मिलेंगे काफी महीनों तक। तो मटर को स्टोर करके रखिए पूरे साल भर के लिए। कैसे करें हम उसे? अभी हाल ही में मैंने कॉर्न को भी स्टोर करना बताया था, लेकिन कॉर्न से ज़्यादा हमें मटर की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में हमें मटर चाहिए होते हैं, तो उसे हम कैसे रखें? चलिए सबसे पहले मटर को अच्छे से साफ कर लीजिए। कोई भी गला सड़ा मटर नहीं होना चाहिए। कोई भी एक आध मटर अगर गला सड़ा होता है तो वो हमारी सारी मटर को खराब कर देता है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए कि ये मटर कैसे हम स्टोर करके रखते हैं। यहाँ मैंने रखा एक पतीला पानी का, जिसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा सा नमक। चीनी आप कम से कम 2 टेबलस्पून जरूर डालें, अगर 2 किलो मटर रखनी हो तो। अब ये धुली हुई मटर इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल दीजिए। छोटी छोटी जो ट्रिक होती हैं हम फॉलो करेंगे तो हमारी मटर में कभी भी फंगस नहीं लगेगी, मटर खराब नहीं होंगी और मटर का कलर भी एज इट इज मिलेगा। यहाँ देखिए हमने सारी मटर डाल दी, ये नीचे बैठी हुई हैं, धीरे धीरे ऊपर तक आ जाएंगी। बस हमें उबाला नहीं देना है मटर को, गैस बंद कर देनी है। अगर हम उबाल देंगे तो इस मटर में स्मेल आ जाएगी। अब ये हरी की हरी मटर हम चिल्ड पानी के अंदर डालेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी सारे आइस क्यूब्स भी डाल के रखे हैं। ये तैयारी आप पहले ही करके रख लीजिए, जिससे इन मटर की कुकिंग रुक जाए और इनका ऐसा ही कलर बना रहे। ये देखिए जैसे ही गर्म पानी से निकाला और ठंडे चिल्ड पानी के अंदर हमने डाल दिए। ठंडे पानी में जब हम डालते हैं इनका मटर और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। अब एक साफ कपड़े पर फैला दीजिए। कॉर्न को हमने उसी समय ही स्टोर करके रखा था, लेकिन इसे आप लंबे वक्त तक रखते हो और इसे आप सब्जियों में यूज़ करते हो तो इसे आप थोड़ा सुखा के रखेंगे, तब ये बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए एक साफ कपड़े पर इस तरीके से फैलाते जाइए और कम से कम 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट इसे रख दीजिए। यकीन मानिए मैं इस तरीके से मटर रखती हूँ। हर वीडियो में मैं अगर मटर यूज़ करती हूँ तो मैं घर के ही मटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे मटर बहुत ही सही पड़े रहते हैं। जो भी सब्जी बनाऊँ इसी तरीके से मटर यूज़ करती हूँ। अब बारी आती है 4 घंटे बाद हम इन्हें पैक कैसे करें। तो उसमें क्या होता है कि मटर के लिए आप चाहें तो छोटे छोटे पाउचेस बनाएं, जब जब हमें चाहिए होता है उस एक पाउच को निकालें और 10 मिनट बाद उसे यूज़ करें, या चाहें तो छोटे छोटे पाउचेस में डालकर एक बड़े बॉक्स के अंदर रख दें फ्रीज़र में, या एक बड़े पाउच में रख सकते हैं। लेकिन जैसे भी आप रखें फुल पाउच भरना नहीं है, आपको आधा आधा पाउच भरना है, उससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बस इस तरीके से फोल्ड रखते हुए आप रख दीजिए फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि फ्रिज में रखना है कि फ्रीजर में, इसे हमें फ्रीजर में ही रखना है। बस इस तरीके से आप स्टोर करें, काफ़ी समय तक आप लंबा चलाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।